नांदेड़ जिले के किन्वर तालुके में जुमला 48 ग्राम पंचायतों पर चुनावी मुकाबले हुए हैं। 7 अक्टूबर को मतदान के बाद 9 अक्टूबर के दिन 38 ग्राम पंचायतों के चुनावी नतीजे जारी किए गए हैं, जबकि दीगर 10 ग्राम पंचायतों पर बिला मुकाबला इंतखाबात होने की वजह से पहले ही नतीजे सामने आ चुके थे। इस मर्तबा ग्राम पंचायत में सरपंच का इंतखाब रास जनता के हाथ में होने की वजह से चुनावी मुकाबले बड़े ही दिलचस्प रहे। हर कोई ग्राम पंचायत पैनल के अध्यक्ष मेंबर्स के बजाय सरपंच का प्रचार करने में अपना जोर लगाता रहा। किन्वट तहसीलदार नरेंद्र तबाजी देशमुख ने इंडिया समय से बात करते हुए इंतखाबात की तफसीलात फराहम की और कहा कि पुरअमन तरीके पर इंतखाबात पाए तकमील तक पहुँचे हैं। उन्होंने अपने मातहत काम करने वाले ऑफिसर्स का भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। किन्वट से स्पेशल करस्पॉन्डेंट MM बेग की रिपोर्ट। अभी किन्वट ये जो ब्लॉक है तो वहाँ पे टोटल 52 ग्राम पंचायत के इलेक्शंस थे, तो उस 52 में पहले जो 4 ग्राम पंचायत थी तो उनका चुनाव हो गया 26 तारीख को, और उसके बाद उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। और उसके बाद जो 48 ग्राम पंचायत थी तो उसमें से 10 जो है तो वो बिन विरोध आ गई। वहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट होने की वजह से इलेक्शंस नहीं हुए, वो अच्छी बात हुई। और रिमेनिंग 38 जो ग्राम पंचायत है तो वहाँ हमने इलेक्शन ले लिए, तो वो 7 तारीख को वहाँ पे वोटिंग हुई और आज जो था तो वो आखिरी उसका ये था, उसमें हमने काउंटिंग कर ली तो 38 ग्राम पंचायत की काउंटिंग हो गई है। और बहुत ही अच्छी तरीके से और पीसफुल मैनर में ये सभी इलेक्शंस की प्रोसीजर है तो वो कंप्लीट हो गई है। इसमें से 38 ग्राम पंचायत में से 2 केसेस में ऐसा हुआ कि इक्वल वोट्स उन दोनों उम्मीदवारों को मिले, तो उसके लिए हमने जो कमीशन्स के जो इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार हमने उसकी चिट निकाल के विनर को हमने वो घोषित कर दिया है। और एक जो है तो वो रिकाउंटिंग हुआ है और उसमें भी जो पहले थे वही आंकड़े सभी आए हैं। इस तरह से पूरे 52 ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन प्रोग्राम था तो वो किन्वट तालुके में कंप्लीट हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे सभी अलग अलग विभागों का, पुलिस विभाग है और रेवेन्यू के साथ बाकी भी बहुत सारे विभाग और लोग जुड़ गए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा प्रोग्राम किया, इसलिए मैं सभी को शुभेच्छा देना चाहता हूँ और सबके आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।